having the entire family. Shabir is hosting the show. And they're performing and the rest of the family members are performing. So we are looking forward to that. And बाकी के जो जी की परिवार के जो और भी सदस्य हैं उन सबसे मिलने को भी we are looking forward. बहुत मेहनत रखता है because हम लोग दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं. दो चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं मेरे हिसाब से, एक तो व्यूअर्स का प्यार और दूसरा अवार्ड. सो इट इज़ रियली रियली स्पेशल टू ऑल द एक्टर्स, दैट्स व्हाट आई फील. जी रिस्टर अवार्ड मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये नहीं पता था कि इतना ग्रैंड होता है. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, एंड आई होप कि ये जी टी वी के साथ एक यू नो एक रिश्ते की शुरुआत हो, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद जी. देखिए एक तरह की शाबाशी होती है, आपने जो काम किया है, आपने जो मेहनत की है वो एक तरह की रंग लाती है. मैं ये बोलूँगी कि अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे अवार्ड मिलता है, एंड आई थिंक मिलना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं और मन करता है कि और अच्छा काम करके बताएं, यू नो. एक्चुअली आज एज़ यूजुअल मैंने खुद अपने आप को स्टाइल किया है. आज मैं ये नहीं कहूँगी दैट आई हैव डिज़ाइन द आउटफिट, आई हैव स्टाइल द आउटफिट. And yes, I'm wearing ensembles of different brands. Zee is my parent channel. सबसे पहले मैंने अपना करियर जो है Zee के साथ शुरू किया था. So I'm really looking forward for a fabulous night and an evening. And I hope everybody enjoys it. और nomination जो भी nominated है, I know how it feels. Butterflies and nervousness and excitement, सब वो feeling रहती है. So heartiest congratulations to each nominee and I hope the best win. थैंक यू वेरी मच. आज का जो मेरे परफॉर्मेंस का थीम था वो वाइट था, तो वाइट में आज कुछ अलग ही ड्रेस पहनी हमने, वाइट एंड सिल्वर को मिक्स एंड मैच करके, जो कि मेरे को भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था और इसीलिए आज मैं यही पहन के यहाँ पे आ गया. मेरे थ्री एक्ट्स थे. फर्स्ट था एक तो ओपनिंग एक्ट था जिसमें मैं हम लोग ने अवार्ड शुरू किया, एंड सेकेंड था एक जो कि प्री शूट हुआ था और वो उस एक्ट का नाम था लव आजकल, जो कि बहुत ही रोमांटिक एक्ट थी, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्ट था जो कि मेरा खुद का पर्सनली बहुत फेवरेट था, जो मैं बहुत चाह से करना चाहता था, मैंने फाइनली किया, एक ताजमहल था जो कि हार्नेस पे था, एंड वो पूरे ऑडियंस के ऊपर से ट्रैवल किया है उसने पूरे इस हॉल के ऊपर, एंड उसके ऊपर मैं डांस कर रहा था एकदम एच में खड़े होके हार्नेस की बेल्ट पकड़ के कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ. बहुत ही एडवेंचरस था वो परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया. जी से मेरा और रवि का बहुत पुराना रिश्ता है, एंड नाउ दैट इट्स रवि शो ऑन जी जमाई राजा, सो आई एम होपिंग ही टेक्स ऑल द अवार्ड्स अवे. यार वी ही इज़ वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड आई पर्सनली ऑल्सो लव द शो, सो आई एम होपिंग दे विन अ लॉट ऑफ होप. रवि फेवरेट बहू में भी नॉमिनेटेड है आई हर्ड, सो दैट्स अ बिग डील. माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी कि वो फेवरेट बहू बनने वाला है दुनिया की, एंड आई एम होपिंग ही रियली विंस दैट वन अवार्ड. तो भी यही होगा यार, अवार्ड यही है कि ऑडियंस उसका शो इतना देख रही है, इट्स वेल वॉच्ड, इतना प्यार दे रही है, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है. बहुत मायने रखता है, हम यहाँ खड़े क्यों हैं वरना. इतना मायने रखता है कि हम सब आ गए सज धज के सफेद साड़ियाँ पहनकर, बहुत मायने रखता है और अगले साल तो ज्यादा भी मायने रखेगा बाय द वे, क्योंकि हमारे नॉमिनेशन होंगे ना. विनर्स होंगे बेटा, सब हम ही ले जाएंगे, ताई चाची और सारे क्या सारे कितना सही बोला, सारे कैटेगरीज आपको यही मिलेंगे. तो सच्चाई जिम सिम करे, सब्र, पूजा पाठ करे, व्रत रखे, मंदिर जाए, मेरे बेटे को खुश रख पाए, अच्छा खाना खिलाए सबको. अरे घर के ही काम करेगी क्या, ऑफिस ऑफिस जाए, बिजनेस बनाए, बहू है बहू. मेरा रिश्ता जी से कुछ 8 साल पुराना है. मैं जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, आई स्टार्टेड एज अ सिंगर फ्रॉम सारेगामा पर चैलेंज 2005. सो माय एसोसिएशन विद जी हैज़ बीन क्वाइट लॉन्ग, सारेगामा पर, उसके बाद घर की लक्ष्मी बेटियाँ. So yeah, it's been beautiful. Awards बहुत मायने रखते हैं यार, you know, because as actors हम इतना काम करते हैं तो वो अगर कोई appreciate करता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, you know. So awards मिलना is like people are respecting your work and people are appreciating your work. So it matters a lot. बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद यहाँ पे दोबारा आना हुआ, और ख़ासकर ये है कि बहुत सारे दोस्त यहाँ पे वापस मिल जाते हैं और
बहुत अच्छा लग रहा है। अवार्ड भी दे देते अवार्ड कुछ दोस्त अवार्ड दे देते हैं कुछ कुछ अवार्ड लेते हैं कुछ देते हैं। और बात यह है कि जी रिश्ते अवार्ड के मंच में आके करते हैं, घर पे नहीं। गर्मी तो है बहुत। एक्चुअली वी आर दैट हॉट, कांट एक्सप्लेन। तो जब हम साथ होते तो हमें ज्यादा गर्मी होती है। ये भी हॉट है ना, हम सभी हॉट है। मैं बोलने के लिए तड़प रहा हूँ। गुरमीत मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए ऐसे कुछ पहन के आए हैं मोदी जी का लुक। या और तो हमेशा हर एक चीज़ से हम लोगों को फैशन का सेंस लेना चाहिए, तो गुरमीत ने सीखा है कुछ।